नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप आईबीटीवी देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। रवि सर से चर्चा होगी कि आखिर बीजेपी के वो कौन कौन नेता हैं, बड़े नेता हैं, सांसद हैं, जो चाहते हैं कि एनडीए में और कोई दल नहीं आए। चिराग पासवान नहीं आए, मुकेश सहनी नहीं आए, उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए, माझी नहीं आए। इनके लिए वो एक तरीके से कहा जाए तो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं चाहते हैं, कौन है वो सांसद, सब कुछ बात करते हैं रवि सर से। सर, आपको ये नहीं लगता है कि बीजेपी के कई सांसद हैं जो ये चाहते हैं कि ये गठबंधन, जो सहयोगी दलों से जो बातचीत चल रही है, वो ना हो? देखिए, निश्चित रूप से जो एनडीए जितनी मजबूती के साथ बिहार में कदम बढ़ा रहा है, बिहार में क्या, देश के, देश में ही सब जगह उन, तो बिहार में हम अगर यदि फोकस करें तो एनडीए बिहार में, देखिए जो कई दफ़ा सर्वे हो चुका है, इंटरनल सर्वे जिसकी हम लोग बात बात करते हैं, उसमें दो तीन चीज़ है। एक तो एज फैक्टर लेकर के है कि जिनका एज अधिक हो गया उनको भी दूसरी जगह पर उनको एडजस्ट किया जाए, नंबर एक। नंबर दो बात, जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, जिनका अपने क्षेत्र में लोगों के साथ कनेक्टिविटी, कनेक्शन बढ़िया नहीं है, वो गाहे बगाहे जाते रहते हो, तो वह वैसा भी सर्वे आया है, वैसी भी रिपोर्ट है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पास। तो ऐसे में कुछ निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं। अब जैसे मान लीजिए, जो नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद, महागठबंधन में जाने के बाद, वह जो 16-17 सीट है लोकसभा की, वह तो ठीक दिखाई पड़ रहा है कि वह कंफर्टेबल है, लेकिन जो दूसरी जो उतनी ही सीट जो और है, तो उस सीट पर निश्चित रूप से पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मुकेश सहनी, चिराग पासवान। मेरा ये कहना है कि सहयोगी दल अगर आते हैं, जब 40 लोकसभा की सीटें ही हैं, हम खुद कभी लड़ते थे 30 सीटें, जहाँ तक याद है कि इतनी सीटों पर 22 सीट मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। जब 2019 का चुनाव आया तो जब नीतीश कुमार साथ में आए बीजेपी के, तब उनमें से 5 सांसदों का टिकट काटा गया। तो वो उन पांच सांसदों ने विरोध किया था, बगावत की थी, बीजेपी को कई नेताओं ने चैलेंज दिया था, सबक सिखाने की बात कही थी, या फिर प्लेटफॉर्म पे बात रखी थी कि ये ठीक नहीं है। ठीक वैसे ही स्थिति अब भी बन रही है। 17 सांसद जो जीते हुए हैं, उनमें से कई ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट कटने की बात सामने आ रही है। निश्चित रूप से कुछ का तो उम्र का फैक्टर है, कुछ का परफॉर्मेंस है, और कुछ तो सब कुछ अच्छा करते हुए भी, जिनका फीडबैक अच्छा है, उन पर भी तलवार लटकी हुई है टिकट कटने की, चूंकि सहयोगी दलों की उन पर नजर है। तो जाहिर तौर पर तो वैसे उम्मीदवार तो चाहेंगे ही ना कि गठबंधन न हो, ताकि उनकी सीटें सुरक्षित रहे, उनका टिकट पक्का रहे। निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं कि वह गठबंधन नहीं हो, तो गठबंधन में जैसे एंट्री जैसे करने की बात हो रही है, वही हम बताना भी चाह रहे थे कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश शाह, तो ये इन लोगों के, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का यह सोच है कि यह जो छोटे छोटे दल हैं या छोटे छोटे जो हैं, उनको मिला करके एक बड़ा फोल्ड दिखाया जाए, और सो दैट कि सारा वोट एकदम फुल स्ट्राइक 100% यहाँ पर 40 की 40 सीट जीतने के लिए। लेकिन जिन नेताओं को यह मालूम है, नेता इन द सेंस कि जो लोकसभा क्षेत्र जहाँ से जो सांसद हैं, उनको मालूम है कि हमारा टिकट कट रहा है, तो ऐसे में उनकी इच्छा है, वह चाहते हैं, इच्छा क्या, वो चाहते हैं कि वो इनकी एंट्री ना हो ऐसे छोटे छोटे दल के, जिससे जिसके कारण कि वो हमारी सीट कट जाए। तो वह उसमें बहुत सारे ऐसे 7 ऐसे हैं एमपी जिनकी टिकट वो कटने जा रही है, एकदम मान के चलिए। नाम कुछ बताना चाहिए? नाम बोलना हमारे लिहाज से ठीक नहीं, जैसे उम्र का या बाकी परफॉर्मेंस। अब देखिए, जैसे अब सीहोर से रमा देवी की बात है, तो वो वहाँ से उनका ठीक नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे, और वहाँ पे शायद उपेंद्र कुशवाहा की भी नजर है। देखिए वो तो ठीक है, सीतामढ़ी बात नहीं बन रही, और कौन से? अब जैसे मान लीजिए कुछ की अदला बदली भी होगी, जैसे बेगूसराय से गिरिराज सिंह के करने के, राकेश सिन्हा वहाँ पर जो राज्यसभा सांसद है उनके लड़ने की बात हो रही है। अब राधा मोहन सिंह एक एज फैक्टर है, तो वहाँ पर उनका भी जो है सो, और वो यूपी के भारतीय जनता पार्टी के यूपी में जो प्रभारी है, स्टिल है, अच्छा प्रभारी है, तो वो वहाँ से, अब जैसे है, अब जैसे पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद,
उनके जगह पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, आरके सिन्हा के पुत्र, आरके सिन्हा पूर्व सांसद जो है उनके पुत्र, तो उनके नाम की जैसे इस सब जो चर्चा है तो इस सब पर भी कई और वो भी दो तीन सीटें हैं ना, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, दरभंगा, आपको मधुबनी, तो वो सब सीट है, वो सब सीटों पर वहाँ पर मुकेश सहनी की नजर है, मुकेश सहनी की नजर है, और सब में अन्य भी जैसे चिराग पासवान की भी खगड़िया पर नजर है, तो यह सब मुजफ्फरपुर में ही जैसे मुकेश सहनी की नजर है, तो यह सब देखने वाली बात होगी कि कैसे इसको भारतीय जनता पार्टी शॉर्ट आउट करती है, कैसे इसको खत्म करती है, और कैसे फिर ये लोग एनडीए फोल्ड में लाती है, देखने वाली बात होगी कि कैसे कैसे ये होगा। लेकिन हाँ, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो सांसद हैं इन क्षेत्रों से, वो या अन्य जो क्षेत्रों में जहाँ पर उनको खतरा नजर आ रहा है, खतरा इन द सेंस कि टिकट कटने की बात जब हो, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये लोग आए, ये लोगों की एंट्री हो महागठबंधन, सॉरी एनडीए में, जबकि वैसे सांसदों की संख्या कम है निश्चित रूप, लेकिन जिनका टिकट कंफर्म कर दिया गया है, जो वेटिंग लिस्ट में नहीं है, आरएसी में नहीं है, वो लोग जोर लगा रहे हैं कि गठबंधन हो, सारे लोग आ जाएं, चूंकि सबका वोट मिल जाए तो और आसानी होगी उनको चुनाव लड़ने में, जीतने में। बिल्कुल, तो दो धारा भी है, एक धारा ऐसा है जो चाह रहा है कि गठबंधन न हो, वो कम है संख्या बल, बेशक कम है, लेकिन ज्यादा संख्या बल ऐसा भी है जो चाह रहा है कि गठबंधन हो, और कम से कम शीर्ष नेतृत्व की भी यही चाहत है कि गठबंधन हो और गठबंधन के तहत ही हम लोग चुनाव में जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके, और 39 जो लोकसभा की सीटें हैं एनडीए की बिहार में, वो इस बार 39 नहीं बल्कि क्लीन स्वीप हो, 40 सीटों हो। इसी बात के साथ हम इस चर्चा को विराम करते हैं, देते हैं नमस्कार। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।